नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ दोस्तों, ये लाइनें पंजाब के एक छोटे से शहर अबोहर में रहने वाले सुजावल पर बिल्कुल स्टीक बैठती हैं। कहते हैं कि पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। सुजावल की 3 साल की उम्र में उसके पिता को अपने पूत बेटे के पैर दिख गए थे। बात हो रही है अबोहर की नानक नगरी में रहने वाले सुभाष जग्गा व सुनैना जग्गा के होनहार बेटे सुजावल जग्गा की। सुजावल ने UPS की परीक्षा पास करके अपने माँ बाप का वो सपना साकार कर दिया जिसे उन्होंने सुजावल के बचपन में संजोया था। सुजावल ने UPS की परीक्षा उत्तीर्ण कर 84वां रैंक हासिल किया है। इस खुशी के मौके पर जब पिता से बात की गई तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मेरे बच्चे ने मेरा किता तो आज तुम आए हो, मेरे को शब्द है नहीं, मैं ईश्वर की प्रार्थना करना कि एज बच्चा हर एक मुझे। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने मेरा नाम ऊंचा कर दिया है। इससे पहले सुजावल PCS की परीक्षा भी पास कर चुके हैं और वर्तमान में चंडीगढ़ में SDM के पद के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं। सुजावल का कहना है कि उनका सपना IAS ऑफिसर बनने का था। पहली बार में वे इस परीक्षा में असफल रहे, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और दोबारा मेहनत कर परीक्षा पास कर अपना सपना पूरा कर लिया। सुजावल जग्गा ने बताया कि उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने ही पिता के स्कूल न्यू ND मॉडल स्कूल से की। उसके बाद उन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई कॉन्वेंट स्कूल से की, 11वीं और 12वीं DAV स्कूल अबोहर से की। के बाद उन्होंने CA की पढ़ाई उत्तीर्ण की। CA की परीक्षा पास करने के बाद उन्हें ब्राजील और जापान के लिए टूर पर जाने का मौका मिला, जहाँ पर उन्हें काफी अनुभव हासिल हुआ। जावल जग्गा की बड़ी बहन प्रियंका नगोरी बताती हैं कि वे अपने भाई को न सिर्फ बहन का बल्कि माँ का भी प्यार देती हैं। प्रियंका नगोरी ने कहा कि हर बहन का सपना होता है कि उसका भाई जीवन की ऊंचाइयों को छुए और सुजावल ने इसे साकार भी कर दिया है। सुजावल जग्गा की इस सफलता पर उनके परिवार वाले खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। एंड रिपोर्ट की टीम उन्हें इस सफलता पर ढेरों शुभकामनाएं देती है। बट द मेजर चंक इज ऑफ गॉड, विद गॉड्स ग्रेस, उन्होंने बिना परमात्मा वाहेगुरु के बिना कुछ भी नहीं सी होना। सच इज इंटेंस कंपटीशन के कोई भी नहीं कह सकता कि मेरा हो ही जाना सी। सो विद गॉड्स ग्रेस उस तो बाद पेरेंट्स, फैमिली, होल जग्गा फैमिली, नगोरी फैमिली, मेरे टीचर्स जिन्होंने मैंने नर्सरी तो लैके कॉन्वेंट स्कूल दे, DAV स्कूल दे, उस तो बाद मेरे CA दे, ते उस तो बाद IUPSC जेड़े मेरे टीचर्स आए, दैन मेरे फ्रेंड्स। ड्यूरिंग आह वाले एग्जाम्स मैंने कोविड हो गया सी, तो मैं कोविड के सारे एग्जाम लिखे आते, मेरे दोस्त वो मेरे रूम च मेरा सारा ध्यान रख रहे थे मेरे, मैंने कोविड होंदे हुए भी। उस तो बाद मैंने एग्जाम से लैके जाते अपनी कार च बिठा के, अबोर का ही मेरा फ्रेंड है दीक्षांत, असं 11th तो इकट्ठे पढ़ रहे हैं, फिर भरत तो उज्जवल भी होंगे, उन्होंने मेरा सारा मैनेज करना कि बस तू पढ़, जे तू सुबह कुछ खाना भी है, एग्जाम च भी जाना है, या तेन एग्जाम के बीच भी जी ब्रेक होंगी सी, ईवन मैं कोविड पॉजिटिव भी सगा तो भी मेरे नाल बैठते थे, उन्होंने कोई फर्क नहीं किया। सो आई कैन मतलब मैं कदे भी उन्हों का वो चीज़ नहीं कर सकता। सो आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर ऑल द वेल विशर्स एंड सारे की सक्सैस है। मैं अगेन जिमें आप पहले डिस्कस कर रहे थे कि एक है कि जो तुम्हारी मुहब्बत बहुत शिद्दत नाल है तो फिर एक्चुअली मैं यह नहीं हूँ कि मैं कुछ मिस कर रहा भी, मैं रूम च बैठा या मैं बाहर चला जाऊँगा तो पता नहीं की हो जाएगा या मैं बहुत ज़्यादा डाउन फील करा, नहीं, मैंने लगता है कि जो मैं करना वही मैं कर रहा। ऑब्वियसली एक डाउन फेजिज आते ही है, ऑल ऑफ अस गेट सैचुरेटेड, बट एक जो एक घर का बड़ा कंड्यूसिव माहौल से, तो उस तो बाद मेरी एक थोड़ी नेचर भी उदा दी हो गई सी कि यार अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो मैनू यह नहीं लगता कि मैं मूवी देख नहीं जा रहा या मैं फ्रेंड्स नाल नहीं जा रहा तो मैं कुछ मिस कर रहा, क्योंकि जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स से ऑलवेज मेरे नाल होंगे ही सी, जेडे क्लोज रिलेटिव से ऑलवेज मेरे नाल होंगे सी, सारे अंडरस्टैंडिंग से। सो उदे करके थोड़ी जी मोटिवेशन विद गॉड्स ग्रेस अंदरों किक आई तो आई वॉज एबल टू डू दैट। अजकल युवा नशिया का बहुत प्रचलन है, काफ़ी लड़के मर भी गए, उन युवाओं को संदेश देना चाहोगे जो कि दिशा भटक गए हैं अजकल, मतलब IAS पार कर गए हो तो मतलब इस तरह के दिशाहीन बच्चे हो रहे हैं, उन्होंने की संदेश देना चाहोगे? आई थिंक इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि अपने कई यूथ दे या कई जवान बच्चे समटाइम्स कुछ हालात करके वो किसी गलत रस्ते दे चले जाते हैं, तो वो मैं कहूँगा कि उन्होंने भी गलती ने, एक एज अ सुसाइटल इशू आपने देखिए, एक सिर्फ कल्ले इंसान का कसूर उन्होंने ना देखिए,
तो उसके रिलेटिड मेरी तो यही एक बेनती भी रहेगी, एडवाइस भी रहेगी कि अपने हर एक दे अंदर एक इनर वॉइस होंगी है, एक इनर कंशाइंस होंगी है, जो आपको पता होंगे कि यार आप काम कर रहे हैं तो ठीक है, ये नहीं कर रहे तो गलत है, या जो आप इतने पहुँचना है तो आपको रस्ता अंदरों एक आवाज़ आ जाती है कि यार आप इतों जाना है। सो मैं उही कहूँगा कि हर एक बंदे को पता होंगे जी मैं गलत कर रहा तो यह गलत है, तो आपकी एक इनर वॉइस में अगर आप सुन लीए तो आप एक्सैप्ट कर लिए कि हाँ यार अज अगर मेरे कोई कमी है तो वो बहुत ज़्यादा डीमोरलाइज ना हुई है, तो जे आप कितने भी कुछ फील हो रहा है कि नहीं मैं गलत रस्ते चला गया तो अपने जो क्लोज्ड वंस है, अपने पेरेंट्स है, फैमिली है, रिलेटिव है, उन्होंने दोस्तों ना गल करो, तो फिर भी नहीं हल हो रहा तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव शुरू किए हुए हैं, बहुत सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स है एंड लॉट ऑफ स्कीम्स आर देयर, तो अपन उस शर्माना नहीं चाहिए या ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मेरी ही गलती है, वो किसी नाल भी हो सकता है, वो सोसाइटल इशू है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रैस ना लेंदे हुए उन्हें जो लगे कि मैं गलत रस्ते पर हूँ वापस आने की कोशिश करे, तो एंड दैन ऑबवियसली अपने गॉड नू परमात्मा जिदा भी कोई विश्वास करता है तो उस करे, तो एंड स्पोर्ट्स इज अ वेरी गुड मीडियम टू वेंट आउट योर एनर्जी, वो बंदे का जोड़ा है टाइम भी ऑक्यूपाइड रहा है, सो लॉट ऑफ अल्टरनेटिव एंड आई विश के आप जी भी ये ड्रग की प्रॉब्लम है ओवरकम हो रही है, प्राउड मोमेंट भी है और हमारा जो मन है वो 50-50 भटकता है क्योंकि रिजल्ट जो है वो आपको पता है कि पता नहीं है कि कैसा आएगा, क्योंकि जो इनको जानते हैं दे वर वेरी श्योर कि क्लियर कर लेंगे, लेकिन एज अ पेरेंट हमें थोड़ा सा लगता ही है कि इसमें लक भी काम करता है, तो ही वॉज वेरी श्योर कि हाँ अच्छा गया है, इंटरव्यू भी अच्छा गया है, पर हमें थोड़ा सा डर था, अभी भी हमें 2 दिन हो गए हैं लेकिन टाइम लगेगा, खुशी जो है समझ ही नहीं आ रहा है कि इतनी अच्छी अचीवमेंट और इतनी कम एज में ही हैज़ डन इट, तो हमें बहुत प्राउड है। सर एक्चुअली क्या है, मैंने ये मिस किया बिकॉज हमारा जो है एज गैप ज़्यादा है, तो मदरहुड ही फील करती हूँ मैं इसके साथ, कभी वो फील आया ही नहीं है बिकॉज ही इज़ वेरी यंगर टू मी, वी हैव 9 ईयर्स गैप ऑलमोस्ट, तो 9 ईयर्स में ही इज़ लाइक कि जो कुछ भी चाहिए कोई गाइडेंस है, अभी नहीं पहले जब ही वॉज लाइक इन स्कूल तो कुछ भी है, स्कूल में भी कोई इशू है टीचर के साथ ही यूज़ टू कम टू मी कि दीदी मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है स्कूल में या इस टीचर के साथ कोई दिक्कत है, तो लड़ाई झगड़ा तो हमने किया ही नहीं है कभी, एंड लड़ाई झगड़ा तो नहीं है, यूनिलेटरल ही रहा है, हाँ। तो मैं पिटा ही हूं। डोमिनेटिंग आप कह सकते हैं मेरा नेचर था, मैंने मम्मा वाली जगह ही ली है, जो पेरेंट्स जो है डांटना मारना, टीचर को कॉल कर देना कि आप इसको खींच के रखो, आप इसके साथ ऐसा रखो, तो ऐसे बच्चे ने बहुत शहर मां बाप का और वाहेगुरु जी जिंदे लड़ लगे उन्होंने आशीर्वाद साढ़े तो बहुत है, तो असी ये उम्मीद करते हैं कि इस तरह बच्चा बुलंदियों से रहे, शहर का नाम उच्चा करे जिमें हूँ किता है, तो जिते भी जाए इनकी आपकी एक शहर करके आपके पेरेंट्स करके तो आपकी जी इनकी एक सिस्टर है या जो जीजा जी ने जिन्हों की कोऑपरेशन रही है इनकी पूरी स्टडी के चूरी हूं भी लैके जाता जो चूरी बना के लैके जाता।